हेलो फ्रेंड्स, मैं आरती। ऑनलाइन प्रिपरेशन पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो आपका वीडियो है वो है आपका कोड 504 से ब्लॉक 2 का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बीज गणित के क्या उद्देश्य होते हैं एवं उनकी क्या क्या विधियाँ होती हैं। वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो ये आपके लिए इसलिए है क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ है और मैथ में बीज गणित कितना इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बीज गणित मतलब अलजेब्रा, ठीक है ना, तो जिसे हम अलजेब्रा इंग्लिश में कहते हैं, वो कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको अच्छी तरह से पता है। समीकरण जो फार्मूले होते हैं वो बीजगणित में ही यूज किए जाते हैं, तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं इनकी आने की पॉसिबिलिटी 100% रहे होगी आपके एग्जाम में। हमने कहा भी था किस बार जो है आपके लिए कुछ हटके हम करेंगे, तो चलिए ये स्टार्टिंग कर देते हैं और देखते हैं आज की वीडियो में कि बीजगणित के क्या उद्देश्य एवं क्या विधियाँ हो सकती हैं। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं वीडियो, जान लेते हैं। लेकिन उसके पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, मेरा दूसरा चैनल है जो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक रहेगा, जो लोग कम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, उसमें उनको पूरे भी प्रिपरेशन के जितने भी वीडियोज़ हैं वहाँ पर अवेलेबल रहेंगे, वहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं बीजगणित उद्देश्य एवं विधियाँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीज गणित के उद्देश्य और उनकी विधियों पर प्रकाश डालेंगे, या फिर क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है कि बीज गणित सीखने की प्रक्रिया में बच्चों को आने वाली कठिनाइयाँ एवं उनके निराकरण को संक्षेप में आपको समझाना होगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं बीज गणित का अर्थ क्या होता है। तो बीज गणित का अर्थ है समीकरणों में एक ओर से दूसरी ओर संख्या ले जाने से उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं बीजगणित। जैसे बीजगणित जो होता है शब्द एक अरबी शब्द से निकला है, यानी अलजेब्रा जो शब्द होता है उससे निकला है, और अंक गणित की तरह बीजगणित भी संख्याओं का विज्ञान है। अंतर केवल यह है, तो बीजगणित में अंकों के स्थान पर अक्षरों का प्रयोग होता है और अतः बीजगणित को अंक गणित का असामान्य अनुमान यानी सामान्य अनुमान रूप कहा जाता है। बीज गणित क्या है ये आपके समझ में आ गया होगा कि समीकरण जो होते हैं, जो हम फार्मूले लगाते हैं, उनको एक ओर से दूसरी ओर संख्याओं को हम ले जाते हैं, चिन्ह उसमें बदल जाते हैं। बीज गणित को जो ये है अरबी शब्द से निकला है, अरबी शब्द कौन सा, यानी अलजेब्रा जो शब्द होता है उससे निकला है, और जो बीज गणित है वो अंक गणित की तरह ही होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम बीज गणित के उद्देश्य देख लेते हैं, मेन बीज गणित के क्या उद्देश्य हैं। जैसे बीजगणित शिक्षण के उद्देश्य होते हैं, पहला होता है छात्रों में गणना संबंधी योग्यता का विकास करना, ताकि छात्र जो है गणना करना यानी गिनती करना जो काउंटिंग हो जा होती है उसको सीख जाए। तो सबसे पहले गणना संबंधी योग्यता होती है उसका विकास करना, काउंटिंग को डेवलप करना सबसे पहला उद्देश्य होता है आपका बीजगणित का। दूसरा है आपका बालकों को विभिन्न संकेतों का ज्ञान कराना। जैसे अभी हमने कहा है कि बहुत से समीकरण होते हैं, बहुत से फार्मूले होते हैं जिनके आधार पे हम क्या करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ए प्लस बी इक्वल टू, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं, सारी फार्मूले होते हैं, तो इनमें क्या होता है संख्याएं भी चेंज होती हैं और जो उनके चिन्ह होते हैं साइन होते हैं वो भी बदल जाते हैं। तो जो संकेत होते हैं उनको बच्चों को नॉलेज दिलाना सब दूसरा इसका मेन उद्देश्य होता है आपके बीजगणित का। चलिए थर्ड देख लेते हैं, छात्रों में अंक गणित तथा गणित की अन्य शाखाओं के सिद्धांतों एवं संकल्पनाओं आदि का समुच्चय भाषा में सूत्रों या संकेतों द्वारा व्यक्त करने की क्षमता का विकास करना, यानी जो अभी बताया है कि जो समीकरण होता है वो बीजगणित में ही होता है और जो उनमें समीकरण होते हैं उनके संकेत जो सूत्र होते हैं उनको बच्चे अच्छी तरह से सीख जाएं, अच्छी तरह से उनको आए, ताकि जो भी क्वेश्चन दिया जाए उनको वो कर सके। तो इस तरह की जो क्षमताएँ होती हैं उनको विकसित करना बीजगणित का जो होता है ये तीसरा उद्देश्य है। चौथा देख लेते हैं कि मानसिक शक्ति का विकास करना, जो वेरी इंपॉर्टेंट होता है। जनरली लोग मैथ से डरते हैं और एक हर एक स्टूडेंट में 100 में से 75-80% जो स्टूडेंट होते हैं उनकी जो कमज़ोर सब्जेक्ट होती है वो मैथ होती है, वीक सब्जेक्ट मैथ होती है। तो रीज़न यही होता है, तो जो मानसिक शक्ति होती है उसको डेवलप करना भी जो होता है बीज गणित का मेन उद्देश्य होता है। और पांचवें नंबर पे है कि छात्रों में गूढ़ चिंतन द्वारा सूक्ष्म चिंतन करने की प्रवृत्ति का विकास करना। गूढ़ चिंतन द्वारा सूक्ष्म चिंतन, गूढ़ का मतलब होता है बहुत जटिल, ठीक है ना, बहुत रहस्यमय, और सूक्ष्म चिंतन यानी बहुत ही सरल और बहुत छोटा। तो कोई अगर समीकरण बहुत बड़ा है, कोई फार्मूला बहुत बड़ा है, तो उसको छोटे से समझा देना, छोटा कर देना। इस तरह की जब प्रवृत्ति आ जाएगी तो बच्चों में मैथ से डर दूर होगा, वो मैथ से डरेंगे नहीं। तो ये आपका बीजगणित का पांचवा उद्देश्य है। अब देख लेते हैं बीजगणित की शिक्षण की विधियाँ कौन कौन सी हैं। तो देखिए, बीजगणित पढ़ाने की दो विधियाँ प्रचलित हैं। सबसे पहली विधि है समीकरण विधि और दूसरी है सूत्र विधि।
तो देखिए समीकरण और सूत्र दोनों अलग अलग होते हैं। चलिए आइए हम एक एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं, ठीक है ना। यानी उपयुक्त दोनों विधियों के प्रयोग में दोनों विधियों का ही प्रयोग होता है, और बीजगणित का प्रयोग समीकरण विधि से अगर करा जाए तो किस तरह किया जाएगा। तो क्वेश्चन मान लेते हैं कि यदि सात में कोई संख्या जोड़ने से योग 12 होता है तो वह संख्या ज्ञात करिए। अब ये आपका जो है ये आपका समीकरण के माध्यम से, ठीक है ना, समीकरण विधि हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं बीजगणित में। या आपसे क्वेश्चन इस तरह पूछ दे कि बीजगणित के द्वारा बीजगणित क्या है समझाइए, या बीजगणित से कोई एक उदाहरण दे के आप बताइए आप बच्चे को किस तरह समझाएंगे, तो आपको यही आंसर लिखना होगा उसमें। तो यदि सात में कोई संख्या जोड़ने से योग 12 होता है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या जो है सात और प्लस इक्वल टू क्या दिया यहाँ पे 12, क्योंकि हमें 7 में प्लस करना है। तो ये अभी आपका यहाँ पे क्वेश्चन टैग जैसा रहेगा, ठीक है ना। और यहाँ पे का प्लस 7 इक्वल टू 12, यानी दोनों पक्षों में सात घटाने पर का प्लस 7 यानी 7 माइनस 7 इक्वल टू 12 माइनस 7। तो का जैसे यहाँ पे का मतलब यहाँ पे आप मान लीजिए x मान लीजिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं समीकरण में मान ही तो रखते हैं, तो एक मान रख दिया यहाँ पे, उसने का मान रख दिया, आप कोई भी मान रख दीजिए, x रख दीजिए, y रख दीजिए, समीकरण में यही तो करते हैं, मान ही तो हम रखते हैं ना, तो और फिर बदलते हैं। तो इसमें से क्या किया कि एक संख्या हमारे पास है जो ज्ञात है और एक जो जोड़ने से योग 12 होता है, तो सीधी सी बात है 12 में आप जब 7 माइनस कर देंगे 7 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 5। तो वो संख्या होगी 5 जो आपको 7 में 5 ऐड करने से 12 मिलता है। तो ये हो गया एक समीकरण का उदाहरण कि आप किस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि बीजगणित का प्रारंभ समस्या के हल से होना चाहिए। समस्या सम्मुख होने से हल में रुचि होती है और इस तरह बालक धीरे धीरे स्वयं इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं आगे। अब देख लेते हैं कि बीजगणित जो है उसमें बालक कितने कमजोर क्यों होते हैं, यानी उनके पिछड़े होने के क्या कारण होते हैं, क्यों बीजगणित से बालक यानी बच्चे डरते हैं। तो देखिए सबसे पहला है कि बीज गणित में रुचि की कमी बालकों की कमजोरी का एक प्रमुख कारण होता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट ही नहीं होता है बीज गणित को, मैथ में ही नहीं होता है, लेकिन मैथ जनरली आ जाती है पर बीज गणित में रियल में बहुत प्रॉब्लम करती है लोगों के लिए। निर्धनता, पारिवारिक कारण एवं वातावरण का अभाव, ये भी एक मेन रीजन होता है। गणितीय प्रत्ययों, प्रक्रियाओं, नियमों एवं सिद्धांतों का अस्पष्ट बोध होना। समीकरण किस तरह के होते हैं मैथ में हम सभी को पता है, इस एक तरफ से सुनते हैं और दूसरी तरफ से निकल जाते हैं, आई थिंक से यही होता है। तो मेन यही चीज़ है कि उसमें जो नियम होते हैं, जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए, कोई भी एक एग्जांपल, कोई भी एक समीकरण ले लीजिए, एक्स वाई का आप मान रखते हैं, पिता और पुत्र की आय जो पूछी जाती है कितने गुना थी, फिर 3 साल बाद इतने गुना हुई, अब आप मेरे क्वेश्चन से समझ में आ गया होगा कि इसको कैसे करना है। बहुत टफ होता है इस चीज़ को करना, जिनसे आता है उनके लिए सरल है लेकिन जिनसे नहीं आता है। तो यही कहा गया है कि जो प्रत्यय और समीकरण नियम सिद्धांत तो होते हैं वो स्पष्ट नहीं होते हैं। विद्यालय में देर से अलग आना, भाग जाना, गणित के पीरियड से गायब रहना, जब बच्चे जिस पीरियड से डरते हैं तो कोशिश उनकी होती है कि इस पीरियड से दूर रहें, तो जब मैथ का पीरियड आता है, टाइम आता है, तो वो क्लास से ही गायब होते हैं। और बालकों की शारीरिक अस्वस्थता, भय शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति में बाधा भी एक प्रमुख कारण होती है। तो बालक जो होते हैं वो गणित में कमजोर होते हैं। अब देख लेते हैं इन कमजोरियों को दूर कैसे किया जा सकता है, दूर करने के उपाय क्या हैं। तो कमजोरियों को दूर करने के उपाय निम्नलिखित हैं कि बालकों की त्रुटियों का विश्लेषण कर बार बार परीक्षण करना कि क्यों वो कमजोर है, बौद्धिक एवं मौखिक कार्य पर बल देना, अभ्यास की निरंतरता रखना, यानी कि ओरल ज़्यादा से ज़्यादा उनको पढ़ाया जाए और जो होमवर्क मिलता है वो 100% उनको देना चाहिए कि आप होमवर्क करके लाइए, इससे बच्चों में प्रैक्टिस होती है। अब बीजगणित संक्रियाओं आदि का तार्किक कारण बालकों को स्पष्ट समझाना, अगर कोई समीकरण है कोई सूत्र है तो बच्चों को अच्छी तरह से उसको समझाना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि शिक्षण को रोचक बनाने के लिए श्याम पट तथा दृश्य शब्द सामग्री जैसे चार्ट है, ग्राफ है, चित्र आदि का भी प्रयोग करना चाहिए मैथ के लिए। बीज गणितीय नियमों एवं प्रक्रियाओं को खेल विधि से या किसी मनोरंजक विधि से समझाया जाना चाहिए। जो हर बार यही कहा जाता है कि बच्चे जो मैथ से डरते हैं, सीख नहीं पाते, तो मेन रीजन यही है, इसको खेल की विधि से जो होती है उसके माध्यम से या फिर दैनिक जीवन के माध्यम से आप समझाएं तो बच्चे बहुत आराम से समझ सकते हैं। छोटे छोटे प्रश्न पूछना, ऐसे प्रश्न पूछना जो व्यवहारिक हो तथा दैनिक कार्यों में आने वाले हों। जस्ट और ये और एक सेम ही है कि हल्के क्वेश्चन पूछने चाहिए और आप एग्जाम्पल दीजिए जो आप डेली लाइफ में कुछ ऐसा करते हैं तो बच्चे इसे सीखते हैं।
त्रुटियां करने वाले बालकों को कक्षा में आगे की सीटों पर बैठाना तथा उन पर नज़र रखे रहना बहुत ज़रूरी होता है। जो बच्चे गलतियां करते हैं, जो बच्चे कमज़ोर होते हैं, तो हर एक टीचर का रिस्पांसिबिलिटी टीचर की होती है कि उन बच्चों को आगे बिठाया जाए ताकि वो पढ़ें, पढ़ने में उनका इंटरेस्ट रहे। क्योंकि जो बच्चे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, ख़ास तौर पर मैथ में ऐसा होता है, वो बच्चे जानबूझ के पीछे बैठते हैं और जी चुराते हैं पढ़ने से, और वो जब टीचर पढ़ाते हैं तो उनका ध्यान पढ़ने पर नहीं होता है, कभी बातें करने में, कहीं किन्हीं चीज़ों में। तो ऐसे बच्चों को जो है हमेशा आगे की सीट पे बिठाना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके बीजगणित के मेन क्या उद्देश्य हैं, कि उसकी कौन सी विधियां हैं, और जो कमजोरियां होती हैं बीजगणित में बच्चों में, या फिर आप गणित में भी कह सकते हैं, बीजगणित ही नहीं है, मान लीजिए क्वेश्चन आता है गणित के लिए कि गणित में से बच्चों की क्या कमजोरियां हैं, क्यों बच्चे कमज़ोर होते हैं, क्यों नहीं सीख पाते हैं, तो आप ये रीजन्स लिख सकते हैं बीजगणित को हटा के, सिर्फ आप गणित के लिए वहाँ पर वर्ड यूज कर लीजिए, तो आप आराम से इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक करिए एंड शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड मेरा दूसरा चैनल है उसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे इसका पीडीएफ लिंक रहेगा, वहाँ से जाके आप पीडीएफ जो है डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।